ये कहानी है मेरी एक नई ट्रिप की जो कि नॉर्थ बंगाल में था। और ये ट्रिप शुरू हुआ था 3 तारीख फरवरी के महीने में, और हम लोग 6 लोग थे और ये एक ग्रुप ट्रिप था। आगे देखिएगा, बहुत सारा मज़ेदार चीज़ें होने वाला है। स्टार्टिंग में मैं व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि सब लोगों के साथ पहली बार मिल रहा था। मेरा एक दोस्त था और एक अंकल था और अंकल के 2 लोग थे, इसकी वजह से मैं उस टाइम पे मोबाइल निकल के व्लॉग स्टार्टिंग नहीं कर पाया। आगे मैं व्लॉग ज़रूर करूँगा। इस टाइम कुछ टुकड़े टुकड़े वीडियोस मैंने बनाए हैं, इससे स्टार्टिंग करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सियालदह स्टेशन से। हम लोगों ने सियालदह से ट्रेन पकड़ा पदातिक एक्सप्रेस, जिसमें हमें 2S का टिकट मिला, स्लीपर का टिकट नहीं मिला, टोटल फुल था। इसके बाद हम पहुँचे NGP मतलब न्यू जलपाईगुड़ी। स्टेशन से बाहर निकलते ही बहुत सारे लोगों ने आके घेर लिया कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। हमने यहाँ से पकड़ा ऑटो, ऑटो में पर पर्सन 30 रुपीज़ लिया और 30 रुपीज़ से हम लोग ऑटो से पहुँचे बस स्टॉप, जो SNT बस स्टॉप है वहाँ पे। वो बस स्टॉप से हम लोग ने एक गाड़ी बुक किया। अभी सिलीगुड़ी के एक बस स्टैंड में हूँ और पेट्रोल पंप के पास ही हूँ। जो अंकल लोग हैं वो गए हैं गाड़ी बुक करने के लिए। यहाँ पे गाड़ी तो बहुत महंगा मिल रहा है, अभी 3,000-3,500 के आसपास प्राइस आ रहा है। मतलब पूरा बुकिंग करके एकदम रिसेप्शन में ही छोड़ेगा, जहाँ पे हमारा होम स्टे है वहीं पे। तो देखते हैं कैसा होता है, पता नहीं कितना देर में आएगा। अभी ट्रेन से उतरा, ट्रेन से उतर के ऑटो पकड़ के इधर आ गया। ऑटो में 30 रुपया लिया पर हेड, 4 किलोमीटर के आसपास ही शायद रास्ता होगा मैक्सिमम। उसके बाद ये पेट्रोल पंप है और यहीं पे हम लोग रुके। यहाँ पे पूरा सामान वामान रखा हुआ है, सब लोग 2-3 लोग उधर जा चुके हैं गाड़ी बुक करने के लिए, उन लोगों से बातें करने के लिए। और हम लोग अभी यहाँ पे रुके, पूरा एग्जॉस्ट हूँ। ट्रेन पे सारी रात बैठे हुए थे सब लोग और अभी भी मतलब खड़े हुए हैं, कंधे पे बैग लेके। थोड़ा भारी भी है, एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है, इसलिए नींद भी नहीं आ रहा है और अच्छे से सब कुछ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं बस। आगे गाड़ी बुक करते हैं, फिर उस पर बैठते हैं, कितना चार्ज लेता है, कितना खर्चा आता है, देखते हैं किस रास्ते से जाता है वो भी मालूम करते हैं, उसके बाद फिर अपडेट देते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लो हम लोग। ये हमारा गाड़ी है, इस गाड़ी को हमने बुक किया है और इसका प्राइस आया है 3,000 रुपीज़। अभी 3,000 रुपये में ये वाला पीछे वाला जो गाड़ी है फुल्ली बुक हो चुका है। ये गोरू बतान से एकदम सीधा रिशॉप में हमारे जो कॉटेज है वहाँ पर ले जाके छोड़ेगा। और अच्छा है, अगर हम शहर में जाते तो भी 300 रुपया करके पर हेड लेता, फिर कालिम्पोंग से फिर शहर में जाना पड़ता, तो सही है 2900 या फिर 3000 ही पकड़ सकते हो आप। 3000 में पूरा टोटल हमारे कॉटेज तक। अभी फिर चलते, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मैंने जैकेट भी उतार दिया और यहाँ पे ठंडी नहीं है। शायद ऊपर जब जाऊँगा तब ठंडी थोड़ा ज़्यादा होगा। अभी तक मैं ये सिलीगुड़ी में ही हूँ, एक पेट्रोल पम्प यहाँ पे पेट्रोल भरा रहा हूँ, गाड़ी पूरा रेडी है, अभी निकल जाएंगे। इसके बाद हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका था। हम लोग माल बाज़ार होके गोरू बतान से होके जाएंगे रिशॉप में, हमारा होम स्टे है जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और रास्ते में जाने के टाइम में रास्ता बहुत अच्छा था, सीनरी बहुत अच्छा था और पहली बार हम लोग देख रहे थे पहाड़, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमने क्रॉस किया सेवोक का फेमस कोरोनेशन ब्रिज, वो बहुत ही अच्छा था, तीस्ता नदी के ऊपर बना हुआ था। और फिर हम आगे बढ़ते रहे, रास्ते में हमें चाय का बगान दिखा, रास्ते के दोनों साइड में ही था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बीच में से रास्ता जा रहा था। इसके बाद एक जगह पे हम लोग रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने लिया पराठा और आलू की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही अच्छा था। ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही हम लोग पहुँच गए रेस्टोरेंट के सामने वाले चाय के बागान पर, चाय के बागान देखने के लिए। ये जो मेरे पीछे चाय बागान दिख रहा है, खाने के बाद थोड़ा इधर आए थे, ये छोटा सा ही बागान है चाय पत्ती का। बस हम लोग पहला जो एक्सपीरियंस होता है चाय बागान में जाने का वही ले रहे थे। ये सामने हमारा गाड़ी, वही वाला दुकान से अभी हमने खाया है ब्रेकफास्ट, ये गाड़ी। चलो
अभी चलते हैं फिर। अभी टाइम का अपडेट यही है कि 12:30 बज रहे हैं, पता नहीं 3 बजे तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। 3 बजे तक अगर पहुंच पाए तो अच्छा है, फिर शाम को निकल पाएंगे थोड़ा सा जो लोकल स्पॉट है वो देखने के लिए। आगे देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं। ऋषभ की तरफ जा ही रहे थे लेकिन थोड़ा सुसु ब्रेक टॉयलेट ब्रेक के लिए थोड़ा रुक गए। और बहुत ही मस्त जगह है ये देखिए, यहाँ पर पीछे बहुत बड़े बड़े पहाड़, ये है तिस्ता नदी और उस साइड मेरे पीछे भी बहुत बड़े पहाड़, इस पहाड़ का नाम मुझे पता नहीं है। बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत लग रहा है और इसलिए सनग्लास ऑन है। इस साइड से हम लोग आए थे, उस साइड में जाएंगे, सब लोग उतरे हैं, थोड़ा फोटो वोटो खींच रहे हैं। सामने ही हमारा गाड़ी है, इधर कोई भी नहीं है, पूरा खाली है। उधर बहुत बड़ा एक पहाड़ दिख रहा है, एकदम ये पीछे से गया है वो, मेरे को भी इससे नहीं दिख रहा है। और इधर है तिस्ता नदी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, पूरा शांति है। यहाँ तक कि वो नीचे थोड़ा सा झरना टाइप छोटा सा एकदम, उसका आवाज़ भी इधर आ रहा है। बज रहे हैं 2:45 और लावा से सिर्फ 2 किलोमीटर ही पहले है हम लोग, और लावा से ऋषभ शायद 15-20 किलोमीटर होगा, मैंने देखा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो देखा ये है फर्न, बहुत बड़े बड़े फर्न के पेड़, और मेरे सामने ये देखिए वो पूरा पीछे पाइन का पेड़, बहुत सारे, बहुत नीचे तक, बहुत ऊपर तक, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत शांति का प्लेस है। ये देखिए ये सब पाइन का पेड़ है, ये देखिए ये बहुत नीचे तक है, वो नीचे बहुत बड़ा बड़ा ये सब पेड़ है। ये है फर्न के पेड़, और एज यूजुअल सब लोग उतर के पिक्चर विक्चर ले रहे, मैं भी उतर गया। आप सुन सकते हो कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है यहाँ पे, पूरा क्वाइट है। हमारा जर्नी फिर से स्टार्ट हो गया और हमने पकड़ा एक नया रास्ता, जो लावा से ऋषभ तक 4 किलोमीटर का ट्रेकिंग रूट होता है, वही रास्ते से हमारा ड्राइवर हमें ले गया। एक नया एक्सपीरियंस था, बहुत ऊंचाई पर था ये वाला रास्ता, अगर हम मेन रोड से जाते तो 11 किलोमीटर टोटल रास्ता पड़ता, इसलिए ड्राइवर साहब ने बोला कि कम रास्ता है, चलो नया जगह से चलते, आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। हाँ, बहुत ही थ्रिलिंग वाला रास्ता था, बहुत ही भयानक था, यहाँ से कोई भी गाड़ी आता जाता नहीं है शायद, हमने तो कोई गाड़ी नहीं देखा। और इसके बाद हम पहुँच गए फाइनली ऋषभ, ऑलमोस्ट रिजॉर्ट के, मतलब रिजॉर्ट तो नहीं, होम स्टे के सामने ही है। पीछे एक गाड़ी से अभी उतरा, कुछ पैदल चल रहे, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन जो हमारा होम स्टे का है वो पता नहीं चल रहा, इसलिए गाड़ी से उतर गए, पैदल चल रहे, खुद ही ढूंढ लेंगे। फ़ोन किया था, बोला गया हमें कि थोड़ा ऊपर आ जाइए आप लोग, तो गाड़ी पीछे आ रहा है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं पैदल। और यहाँ का व्यू, ओ मेरे पीछे व्यू, रुकिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए व्यू, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़, ये सब होम स्टे है, सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी।
ठंड बहुत है यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। मतलब एक पूरा दिन गया इधर पहुँचने में, थोड़ा हम लोग रास्ते में रुके भी थे इसकी वजह से, इतना टाइम गाड़ी में बैठ के आए फिर भी चढ़ नहीं पा रहे, ठंड और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। अभी जस्ट पहुँचा अपने इस होम स्टे पे, ये भी मेरे साथ है एक और, आपका थोड़ा नाम बताइएगा। जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास ये भी हमारा साथी है इस ट्रिप में, और भी बहुत सारे लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता सबको दिखाऊंगा। जस्ट पहुँचे अभी 4:10 हुआ है टाइम, और होम स्टे बहुत ही अच्छा है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ऊपर टीन का बना हुआ है छत, अंदर भी दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत सारा सुंदर नज़ारा सामने हमारे वेट कर रहा है। जगह कैसा है, कैसा लग रहा है? ये मतलब पूरा शांति है ना? बहुत ही अच्छा है। राहुल भैया, अरे भाई आपने तो अपना बूढ़ी दिखा दिया। ये हमारा रूम है, ये है बेड, और ये है टॉयलेट, लेकिन इसमें कोई गीजर वगैरह नहीं है, नॉर्मल टॉयलेट है। और ये बाहर का नज़ारा, पूरा लकड़ी का बना हुआ है फ्लोर, ये खम्भे। तो अभी जस्ट आए हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते, हाथ में धो लेते, उसके बाद बाहर तो ज़रूर निकलेंगे। यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आए, घूमने के लिए आए, पता नहीं सुबह से कैसा चल रहा है, और ये वाला ट्रिप में ब्लॉग सही से बना नहीं है, आगे सोचूंगा और ठीक से करने की कोशिश करूंगा जितना हो सके, क्योंकि थोड़ा एजेड पीपल के साथ आए, उन लोगों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अच्छा ज़रूर होगा एक्सपीरियंस। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम सब लोग घूमने निकले, पता नहीं कहाँ जाएंगे। एक घंटा से बहुत कम टाइम बचा हुआ है सनसेट होने में और अंधेरा आने में। पीछे वो हमारा कॉटेज है, आगे की तरफ जा रहे हैं। कॉटेज के मालकिन से पूछा कि, बोला कि आगे एक मॉनेस्ट्री है, उस मॉनेस्ट्री में जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है, पता नहीं। लावा मॉनेस्ट्री के बारे में सुना था, ये सब मॉनेस्ट्री देख लेते। एक 2, 3, 4, 5 और मैं 6 लोग। इधर बहुत सारे होम स्टे बना हुआ है, वाह। इधर एक छोटा सा वॉच टावर बना हुआ है डिजाइनिंग वाला, और ये सब पहाड़ का ही रास्ता है। हम लोग थोड़ा गलत से चले गए थे, इस साइड में शायद मॉनेस्ट्री है ही नहीं, तो फिर से वापस आ गए, और आगे एक दूसरे लोगों से पूछेंगे किस तरफ है। सीनियर लोग थे इसलिए वो लोग रूम पे वापस चले गए। इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि जो मॉनेस्ट्री के बारे में हम लोग ढूंढ रहे थे, उसके बारे में लोगों से पूछा, बोला कि बहुत नीचे जाना पड़ेगा, लगभग आधा घंटा एक घंटा। तो कोई बात नहीं, हम लोग यंग हैं कर पाएंगे ना राहुल दा? हाँ बिल्कुल, हाँ हम लोग कर लेंगे। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे लेफ्ट साइड में आओ, फ्रेम में आओगे। हम लोग जा रहे हैं, 4 लोग रूम पे वापस चले गए, जो होगा देखा जाएगा यार, भालू तो नहीं आएगा ना, क्या बोल दो? लेकिन ठंड थोड़ा ज़्यादा है और चराई बहुत है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, राइट, कर लेंगे, कुछ भी हो जाए कर लेंगे। तो राहुल दा बहुत एक्साइटेड है, पहली बार आया है किसी पहाड़ों पे, राइट राहुल भैया? और इसका एक्साइटमेंट देख के मैं भी एक्साइटमेंट हूँ, और मुझे तो पहाड़ सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे रास्ता देख सकते हो, पूरा पीछे खाली है, ठंड बहुत लग रहा है, मतलब एक मोटा सा जैकेट, उसके नीचे फिर थर्मल पैंट के नीचे भी थर्मल है, लेकिन मैं हैंड ग्लव्स नहीं लाया हूँ, पूरा फुटबॉल के जो ग्लव्स होते हैं वो पहन के आ गया लगता है। मैं बॉक्सिंग का ग्लव्स पहन रहा हूं। वही पता लेगा तो दे दूंगा। ये देखिए सनसेट हो रहा है, और इधर पूरा पहाड़ है, ये सब तो पूरा पहाड़ आपको दिख ही रहा होगा, और ये रहा हमारा प्यारा सा सन जो अभी सेट हो रहा है, वाओ। इधर ऊपर वो मॉनेस्ट्री का चूड़ा दिख रहा है, शायद ही मॉनेस्ट्री हो सकता है। इस रास्ते से हम अभी आए, यहाँ पे एक मैदान है, बहुत सारे
हमारे जैसे लोग खेल रहे हैं। अरे भाई आहिस्ता, चलो खोलो। ये है मोनेस्ट्री का गेट, ये है मोनेस्ट्री। चलिए हम ऊपर जाते हैं। ये देखिए मोनेस्ट्री, थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा नहीं बहुत ही ऊंचा है। हम लोग गेट से अंदर आए, यदर जूता खोला और ऊपर जा रहे। नजारा भाई ऋषभ का नजारा, ये ऊपर तक पहाड़ है पूरा, ये सब पूरा पहाड़ है। कैमरे में उतना अच्छा नहीं आएगा मोबाइल फोन के, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी तो बंद है, थोड़ा अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर है, हाँ इतने टाइम से मैं मोनेस्ट्री बोल रहा हूँ, लेकिन ये मोनेस्ट्री भी है मंदिर भी है, सब एक ही है। थोड़ा सा टायर्डनेस तो लग रहा है, मतलब चलाई है ना इसलिए। तो ये मंदिर और मोनेस्ट्री कैसे है मैं दिखाता हूँ। हमने जब देखा, अंदर आया, गेट खुला हुआ था, तो भगवान शिव जी का मूर्ति, भगवान गौतम बुद्ध का मूर्ति, दो भगवान आसपास, नीचे शिवलिंग भी है, बीच में गणेश जी है। और दोनों को एक साथ देख के, मतलब पहली बार देख रहा हूँ दोनों को एक साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख लिया, बहुत अच्छा लगा, गौतम बुद्ध और शिव जी का मूर्ति आसपास देख। पीछे ही था, जस्ट हम लोग उसे छोड़ के ऊपर जा रहे हैं। आप देख ही पा रहे होंगे सन पूरा सेट हो चुका है, लाइट बहुत कम हो चुकी है। जाना है फिर वो होम स्टे की तरफ, मतलब रूम की तरफ ही, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा बाहर भी देख लेते हैं। एक बात है, पहाड़ों पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होता है, वापस जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आसपास ही रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे। हेलो 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 हेलो, हाय हाय हाय। चलते चलते हम लोग अपने रूम के पास आ गए, सामने ही है हमारे रूम। थोड़ा सा इधर रेस्ट लेते, बाहर अंधेरा पूरा हो चुका है, कुछ कुछ दिख रहा है। ये देखिए दूसरा मोबाइल से फ्लैश, और दो हाथ ऊपर उठा के, सामने कुछ देख नहीं पा रहा हूँ मैं। ये देखिए पूरा अंधेरा, अगर मैं मोबाइल नीचे कर दूँ तो पूरा अंधेरा, अंधेरे में जंगल में चल रहा हूँ। ये बस एक पागलपंती है, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आगे जाए जंगल में। यहाँ पे ये मोबाइल का फ्लैश कुछ नहीं है इधर, रुकिए। ओह कितना सारा फ्लैश, तभी भौंक रहा है हमारे ऊपर, तो बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन एक्साइटमेंट में मैं डर भूल गया, आगे भी जा रहा हूँ देखते। ये भाई गड्ढा है यार, भाई मैं रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बाहर घूमने के बाद अभी हम लोग है रूम पे, टाइम हो रहा है 6:30, अभी रूम पे हूँ। टर्न तो बढ़ चुकी है ऑब्वियसली, यहाँ पे टर्न ज्यादा है, चिल कर रहे हैं अभी। ये रूम है, रूम का तो आते ही हालत पूरा खराब कर दिया हमने। तो थोड़ी देर बाद डिनर आ जाएगा 8 बजे के आसपास, अभी तो 7 के करीब ही आ चुके हैं हम लोग। फिर 8 बजे के आसपास डिनर आ जाएगा, डिनर के बाद सो जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह निकलेंगे मैं और राहुल भैया, सुबह सुबह निकल के जाएंगे ट्रेकिंग पे। कहाँ जाएंगे वो पता नहीं, दो जगह है, एक तो जाते वो लावा की तरफ और एक टिफिन तरफ, एक व्यू पॉइंट है इधर, उस तरफ जाने की सोच रहे हैं। देखते सुबह देखेंगे।